गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी द सोलर सिस्टम। इन दिस चैप्टर आई टॉट यू अबाउट यूनिवर्स एंड आई एक्सप्लेन दैट व्हाट इज यूनिवर्स एंड वेयर इज। मैंने यूनिवर्स के बारे में बताया था और ये कैसे फॉर्म्ड हुआ, कैसे इसमें जो चीज़ें थी वो बनी थी। ठीक है, द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम्स एंड द कंटेंट्स इंक्लूडिंग द स्टार इंक्लूडिंग प्लैनेट स्टार गैलेक्सीज एंड ऑल अदर मैटर्स एंड एनर्जीज। ओके, नाउ आई विल टीच यू अबाउट स्टार्स। क्या है स्टार्स, कैसे बने थे स्टार्स? मैंने आपको बताया था कि स्टार्स है वो किस तरीके से बने थे। ठीक है, अभी होते क्या है वो देखो। स्टार्स, दीज आर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, ये अपनी लाइट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट गैस, हॉट बर्निंग गैसेज। और ये किससे बने होते हैं? हॉट गैसेज से बने होते हैं। दे आर यूजुअली वेरी बिग इन साइज बट एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। दे आर यूजुअली वेरी बिग इन साइज। ये जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से ये क्या होते हैं, हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी के कंपेयर में देखो, जो सन होता है वो क्या होता है, इन स्टार से छोटा होता है, लेकिन जो सन होता है वो हमारे बहुत ज़्यादा पास में होता है, उस वजह से वो हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। दे लुक स्मॉल एंड टाइनी लाइक डॉट्स इन द स्काई। मतलब कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण क्या होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे स्काई में छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हो। ओके, आवर सन इज ऑल्सो स्टार। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। मैंने अभी बताया था, जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। वो उन स्टार से क्या है, उन स्टार से छोटा है, लेकिन वो हमारे बहुत ज़्यादा पास में होने के कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। और जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, सन के कंपेयर में वो स्टार्स बड़े होते हैं, लेकिन हमसे दूर होने के कारण वो हमें क्या दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। इफ़ यू सी द स्काई एट नाइट यू विल फाइंड दैट सम स्टार्स अपीयर सिंगल। अगेन, इन नाइट टाइम यू विल सी इन द स्काई। व्हाट यू फाइंड इन द स्काई, यू फाइंड द स्टार्स। अगेन, तुम रात को क्या देखते हो आसमान में, स्काई में क्या देखते हो, स्टार्स दिखाई देते हैं तुम्हें। लेकिन तुम उस टाइम पे क्या फाइंड करते हो कि कुछ एक स्टार है वो हमें सिंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्टार है वो हमें ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ एक जो स्टार है वो हमें ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। वो जो स्टार है ना, वो क्या करते हैं, स्काई में अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाते हैं, और उसी पैटर्न को हम कंस्टेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कंस्टेलेशन बोलते हैं। पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है उनका, उसको हम किस नाम से बोलते हैं, कंस्टेलेशन के नाम से उनको हम बोलते हैं। कंस्टेलेशन क्या होता है, द ग्रुप ऑफ स्टार इज सो कॉल्ड कंस्टेलेशन। ओके, वन सच कंस्टेलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार विच इज कॉल्ड द सप्तऋषि। और वहीं पे एक जो ग्रुप है स्टार्स का, उसमें टोटल सेवन स्टार है, उसको सप्तऋषि के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तऋषि को क्या बोलते हैं, हम सप्तऋषि के नाम से बोलते हैं। ओके, द फर्स्ट टू स्टार्स ऑफ सप्तऋषि ऑलवेज पॉइंट टू द पोल स्टार विच कंटेंटली शाइन ऑन द नॉर्थ पोल। द फर्स्ट टू स्टार ऑफ द सप्तऋषि, मतलब सप्तऋषि के जो पहले दो स्टार है वो हमें, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम शाइन करते, वो पोल स्टार होते हैं जो हमेशा शाइन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते रहते हैं। उन्हें देख के हमें क्या लगता है, हमें नॉर्थ साइड का पता चल जाता है कि किस साइड में नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही
होता है। लाइक द सप्तऋषि देयर आर मेनी अदर कंस्टेलेशन इन द स्काई। सप्तऋषि की तरह ही स्काई में बहुत सारे कंस्टेलेशन हमें दिखाई देते हैं। स्टार्स आर सो फार ऑफ फ्रॉम अस दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर और मील। स्टार्स है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, उस वजह से हम जो इस अर्थ से जो इसका डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट नहीं करते, ना तो हम इसको ना तो हम इनका किलोमीटर में फाइंड कर सकते हैं, ना ही हम इनका मील्स में फाइंड कर सकते हैं, बल्कि हम इसको किस में फाइंड कर सकते हैं, लाइट ईयर में फाइंड कर सकते हैं। लाइट ट्रेवल एट ए ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द लाइट डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए ईयर इज कॉल्ड ए लाइट ईयर। देर आर सम स्टार विच आर सो फार ऑफ दैट इन मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर लाइट टू रीच अस, वाइल द लाइट फ्रॉम अवर सन रीचेज अस इन अबाउट 8 मिनट्स। मतलब कि जो सन जो स्टार्स होते हैं हम उसकी जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर और मील्स में फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि क्या होता है इसका एक अलग ही रूल्स होता है, हम इसको किस में फाइंड कर सकते हैं, ओनली स्पीड, हम इसको सिर्फ और सिर्फ लाइट ईयर में ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम का मीन्स क्या होता है, द फैमिली ऑफ द सन। द सन एंड द 8 planets दैट रिवॉल्व राउंड द सन, एंड द सन एंड द 8 planets दैट रिवॉल्व राउंड द सन ओके आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। द 8 planets आर, मतलब कि जो सोलर सिस्टम क्या होता है, फैमिली ऑफ द सन, सन की वो फैमिली होती है, उसमें क्या होता है, एक तो सन खुद होता है और बाकी के सारे प्लैनेट होते हैं। वो प्लैनेट क्या करते हैं, उस सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, उस सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं। और जो सोलर सिस्टम में जो टोटल प्लैनेट है वो कितने हैं, टोटल 8 planets है। टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8 planets है। फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल प्लैनेट कितने हैं, टोटल 8 planets है। फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ओके। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। द सन एंड द 8 planets दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर मेंबर इन द सोलर सिस्टम। द 8 planets आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बिसाइड द सन एंड द अदर एंड द प्लैनेट्स देयर आर सम स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज एज वेल इन द सोलर सिस्टम। बिसाइड द प्लैनेट एंड द सन, इन सब को छोड़ के और वहाँ पे क्या है, सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं। ठीक है, दीज स्मॉल बॉडीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, और हम उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। हमारी अर्थ की भी एक सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। हमारी अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, मून। द सैटेलाइट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो जिस तरीके से जो प्लैनेट होती है वो सन के चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार जो सैटेलाइट होती है वो सन के चक्कर ना लगा के वो क्या करती है, वो प्लैनेट्स को रिवॉल्व करती है, उसके चक्कर लगाती है ओके। फर्स्ट टर्न आती है द सन, सोलर सिस्टम में फर्स्ट टर्न किसकी आती है, द सन। द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम ओके। जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का, सोलर फैमिली का बिगेस्ट मेंबर होता है। ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एक्सेट्रा रिवॉल्व राउंड द सन ओके। जो और जो प्लैनेट्स और जो सैटेलाइट्स वगैरह क्या होती है वो सन के चक्कर लगाती हैं। इट इज दस द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द होल सोलर सिस्टम। और जो ये जो सन होता है वो
सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। द सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एंड गिव्स आउट ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन होता है उसकी अपनी लाइट्स और अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैस से बना हुआ होता है और ये हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है, ठीक है। अवर अर्थ गेट्स ओनली ए पार्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। विदाउट द सन एनर्जी अवर अर्थ वुड बिकम कॉल्ड एंड लाइफलेस। विदाउट सन एनर्जी, विदाउट सन की एनर्जी, मतलब सन की एनर्जी के बिना क्या होता है, ये जो हमारी अर्थ है वो एकदम ही कॉल्ड हो जाएगी और एकदम लाइफलेस हो जाएगी। अगर सन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द सन विच सस्टेन्स ऑल लाइफ, दैट्स वाई मैनी एंशियंट पीपुल रिगार्डेड द सन एज ए गॉड। मतलब कि इससे हमें लाइफ मिलती है, इसी कारण क्या होते हैं, पुराने जो लोग होते थे वो सन को क्या मानते थे, एक भगवान मानते थे, ठीक है। वो सन को क्या मानते थे, एक भगवान के रूप में मानते थे। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। यू विल बी अमेज्ड, मतलब कि तुम्हें जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि जो सन है वो यूनिवर्स का बिगेस्ट स्टार नहीं है। इट इज ओनली मीडियम साइज स्टार, ये एकदम मीडियम साइज का स्टार है। ओके, द बिगर स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो बिगर स्टार है वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। सो दे लुक स्मॉलर देन द सन, दैट्स वाई, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण क्या होता है, हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। द सन लुक्स बिगर एंड ब्राइटर कंपेयर टू अदर स्टार्स। द सन लुक्स बिगर एंड ब्राइटर कंपेयर टू द अदर स्टार बिकॉज इट इज मच नियरर टू द अर्थ। ओके, नाउ आई विल टीच यू अबाउट प्लैनेट्स। द सन, समझ में आ गया आपको। अब प्लैनेट्स की बारी। देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। आई टोल्ड यू हाउ मैनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। इन अवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, दीज आर 8 प्लैनेट्स। दे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। प्लैनेट कैन ऑल्सो बी रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि इनको हम साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको देखें तो फर्स्ट टर्न आएगी मर्क्यूरी की, सेकेंड आती है मार्स की एंड थर्ड टर्न आती है वीनस की, फोर्थ टर्न होता है अर्थ की, नेपच्यून की, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो हम इनको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन इन फिक्स पाथ। जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम फिक्स पाथ पे सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जो इनका जो फिक्स पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, इट इज द फिक्स पाथ ऑफ द प्लैनेट। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, वे अपनी जगह पे भी रोटेट करते हैं। ऑन द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन बट दे डू नॉट टेक द सेम टाइम। मतलब कि जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन के जो चक्कर लगाते हैं वो सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, बट क्या होता है, बट दे डू नॉट टेक द सेम टाइम टू कम्प्लीट। लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनमें सभी को एक जितना टाइम नहीं लगता, वो सारे अलग अलग टाइम लेते हैं। ए प्लैनेट विच इज नियरर द सन टेक्स लेस टाइम। अब जो सन के जो सबसे पास में होगा वो सबसे कम टाइम लेगा और जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। दस मर्करी विच इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कंप्लीट टू रिवॉल्यूशन इन 88 डेज। मतलब कि जो मर्क्यूरी है वो क्या है, वो सबसे पास में है सन के, इसके कारण इसको रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ 88 डेज ही लगते हैं। और ये सबसे सबसे पहले अपना जो रिवॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट करता है। एंड विच इज द फास्टेस्ट प्लैनेट टेक 164.80 ईयर्स टू कंप्लीट। एंड सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून, इसको कितना टाइम लगता है, 164.80 ईयर्स।
जो सबसे पास में है उसको तो सबसे कम टाइम लगेगा और जो सबसे दूर है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, स्टार्स कंपेयर टू प्लैनेट, स्टार्स कंपेयर टू प्लैनेट। स्टार्स और अगर प्लैनेट्स की कंपेयर की जाए तो देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है। स्टार्स इज द स्टेशनरी लाइक द सन, ये जो स्टार्स है वो क्या है, एक स्टेशनरी की तरह है, वाइल प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, लेकिन प्लैनेट्स क्या है वो अर्थ की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, ए स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, हैज इट्स ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं ये ह्यूज बॉल होते हैं फायर के, और इसकी अपनी लाइट होती है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, उनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती। ए स्टार गिव्स लाइट टू द प्लैनेट व्हाइल ए प्लैनेट रिसीव द सेम फ्रॉम द स्टार। ए स्टार गिव लाइट टू द प्लैनेट, एक जो स्टार होता है वो क्या करता है, प्लैनेट्स को लाइट देता है, व्हाइल ए प्लैनेट रिसीव द सेम फ्रॉम द स्टार, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार से रिसीव करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टार्स एक्ट एज डोनर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टार्स एक्ट एज डोनर्स एंड जो व्हाइल द प्लैनेट्स एक्ट एज रिसीवर्स, मतलब कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक डोनर के रूप में काम करते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम रिसीवर की तरह एक्ट करते हैं। स्टार्स आर न्यूमरस इन नंबर व्हाइल प्लैनेट्स आर ओनली 9 इन नंबर। स्टार्स होते हैं मतलब कि उनको काउंट करना मुश्किल है, अनकाउंटेबल है वो, लेकिन जो प्लैनेट्स है वो अनकाउंटेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 9 प्लैनेट्स ही है। बट इन प्रेजेंट टाइम वी नो दैट देयर इज ओनली 8 प्लैनेट्स, नॉट 9 प्लैनेट्स। आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो ओके, प्लैनेट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लैनेट्स के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ यू विल रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू।